हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वरलिपिस चैनल। मैं मेरे चैनल पे सबका स्वागत करती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, मोबाइल स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिलिंग पराठा, ये बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। ये आप ब्रेकफास्ट में, डिनर में कभी भी सर्व कर सकते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए आटा। मैंने यहाँ पे 2 कप आटा का यूज किया है। हेल्दी रेसिपी है इसीलिए मैं आटा का यूज कर रही हूँ। आप मैदा का भी यूज कर सकते हैं, आपका जो पसंद है। जिस कप से मैंने आटा मापा था उसी कप से ही मैंने यहाँ पे 1/2 कप सूजी लिया है। 2 कप आटा के लिए 1/2 कप सूजी की जरूरत है। मसालों में चाहिए सबसे पहले सौंफ। मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून सौंफ लिया है, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स लिया है, 1/2 टीस्पून अजवाइन, कलर के लिए 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट एंड 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड्स को मैंने यूज किया है। और मुझे चाहिए यहाँ पे बॉइल्ड पोटैटो। मैंने इस पोटैटो को बॉइल करके छील के ठंडा भी कर लिया है। 3-4 ग्रीन चिली को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है और 1 बिग साइज का अनियन को भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। और चाहिए थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल, आप बटर का भी यूज कर सकते हैं। ले लेंगे एक मिक्सिंग बोल और इस मिक्सिंग बोल के अंदर हम डाल देंगे वो आटा एंड सूजी। फिर अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। फिर हम ले लेंगे एक ग्रेटर। ग्रेटर की मदद से हम इस आलू को एकदम महीन करके पीस लेंगे। आप पोटैटो को मैश भी कर सकते हैं, मगर मैश जब भी करेंगे उसके अंदर लंप रह ही जाएगा, इसीलिए हम ऐसे करके ग्रेट करेंगे तो पराठा में बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स्ड हो जाएगा। मैंने पूरा पोटैटो को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है और ये बहुत ही अच्छी तरह से इस आटे के अंदर मिक्स्ड हो जाएगा। अभी हम एक एक करके अदर्स इंग्रेडिएंट्स को डाल देंगे। चॉप्ड अनियन एंड ग्रीन चिली एंड यहाँ पे जो सूखे मसाला था वो हम डाल देंगे। सॉफ्ट चिली फ्लेक्स, अजवाइन, क्यूमिन सीड, टर्मरिक पाउडर एंड सॉल्ट। सॉल्ट आप टेस्ट के हिसाब से यूज कीजिए। फिर हम इसका अच्छे से एक डो बना लेंगे। याद रखिए इसमें पानी बिल्कुल यूज मत कीजिए। इस जो पोटैटो में पानी है उससे ये अच्छी तरह से हम डो बना लेंगे। आपको डो बनाने के लिए पानी की जरूरत है, ऐसा ही पानी यूज कीजिए, अराउंड 2 स्पून। मैंने ये आटे को लगाने के लिए बिल्कुल भी पानी की यूज नहीं किया है। ऐसे ही मैंने इस पोटैटो के अंदर जो पानी था उससे ही मैंने इस डो को बना लिया है। ये आटा ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है। इसके ऊपर मैं अराउंड 1 स्पून ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से चिकना कर लूंगी। और याद रखिए अच्छी तरह से चिकना करने के बाद आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, मगर मैं अभी 10 मिनट्स के लिए इसको ढक के रख दूंगी। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ओवरनाइट रखेंगे तो ही आप फ्रिज में रखिए। आप रात को ये बना के रख दीजिए, सुबह झट से आप ब्रेकफास्ट बना लीजिए। सो इसको आप ऐसे ही रख दीजिए। थोड़ी देर के लिए हम इस कंटेनर का ढक्कन लगा के 10 मिनट्स के लिए रख देंगे। अभी हम मिलते हैं 10 मिनट्स के बाद। हो गया है, अभी इसको हम छोटा छोटा बॉल बना लेंगे जैसे पराठा का हम बनाते हैं। ये देखिए मैंने हाथ में ले लिया है और इतना से मैंने बॉल बना लिया है। ऐसे बॉल बना के मैं सारे तैयार कर लूंगी।
ये चिकना हो चुका है। अभी मैं इस सूखे आटे में इसको थोड़ा सा डिप कर लूँगी और इसको ऐसे ही थोड़ा सा हाथ से चपटा कर लूँगी और उसके ऊपर थोड़ा सा आटा को स्प्रिंकल करके अच्छी तरह से हम एक शेप दे देंगे। आप सर्कल शेप भी दे सकते हैं, ट्रायंगल शेप भी दे सकते हैं, जो आपको पसंद है। बहुत ही ध्यान से हल्के हाथों से इसको बेल के तैयार कर लीजिए। ये देखिए मेरा ये एकदम रेडी हो चुका है सेकने के लिए। तो चलिए इसको फ्राई एंड करते हैं। इनका तवा ले लिया है, बहुत ही गर्म हो चुका है। अभी हम इसको इसके ऊपर रख देंगे और एक अच्छी तरह से दोनों तरफ से सेक लेंगे। पहले हम सेकेंगे, फिर हम इसके ऊपर ऑयल और बटर और घी जो आपको पसंद है आप इसी टाइम पे यूज कर सकते हैं। देखिए एक तरफ से मैंने सेक लिया है, दूसरी तरफ भी मैं सेक लूंगी। अच्छे से सेक लिया है, थोड़ा सा मैं वेजिटेबल ऑयल इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी और अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लूंगी। आप घी भी यूज कर सकते हैं, घी से भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और ये देखिए झट से तैयार हो गया है ये फिलिंग पराठा। ये बहुत ही हेल्दी होता है, आप घर में एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इसमें पोटैटो है तो फिलिंग एकदम अच्छी तरह से है। हम सर्व कर लिया है सॉस के साथ, आप अचार के साथ, रायता के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी है, आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, डिनर में ले सकते हैं और ब्रेकफास्ट में भी ये ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है, बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा। आप घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम में उसका पिक्चर शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको ऐसा ही कुछ हेल्दी रेसिपी देखना है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेसिपी अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। मैं मिलती हूँ किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।